मिस्टर चावड़ा व्लॉग चैनल में तुम्हारा स्वागत है मित्रों। जय माताजी मित्रों, जय माँ खोड़ियार मित्रों, जय भूतड़ा दादा मित्रों। मित्रों आज आप आया छे एक एवं मंदिर है जे मित्रों डूंगर उपर से भूतड़ा दादा मंदिर अने मित्रों त्या गौशाला से तेनी मित्रों अपने गौशाला में मित्रों घास चारा की जरूर से तेथी मित्रों आ वीडियो बनावामां आवे छे। जे कोई मित्रों ने मित्रों दान करवू होय घास चारा नु मित्रों नीड से तेम मित्रों तो मित्रों आ मंदिरे आवीने दई शके छे मित्रों। अने जे कोई मित्रों ने कदाच अहींया कई रीते आवाय केवी गौशाला छे केटली गायो छे तमाम वस्तु मित्रों आ वीडियो में जोवा मळशे। तेथी मित्रों वीडियो छेल्ले सुधी जोता रहेजो अने मित्रों शेर करवानुं न भूलता मित्रों। तेथी कोईपण माणसने दान करवू होय तो मित्रों तेनी पाहे आ वीडियो जाय तो मित्रों ते पण अहींया आवीने दान करी शके छे। तेथी मित्रों जे कोई मित्रों होय मित्रों आ वीडियो जोवे तो मित्रों शेर करवानुं न भूलता। तेथी मित्रों आ गौशाला में पण मित्रों गायोने नीण अने घास चारानी जे जरूर छे ते मित्रों मळी जाय तेथी मित्रों वीडियो ने शेर करवानुं न भूलता। जय भूतड़ा दादा, जय माँ खोड़ियार। त्या मित्रों बापू से जेमनुं नाम मित्रों नित्यानंद बापू से तेमनी साथे पण आपणे वात करशुं। तेथी मित्रों त्यानो गौशाला विषे आपणने मंदिर विषे ते आपणने जाणशे थोड़ोक इतिहास कहे छे અને મિત્રો ગૌશાળાનું જે ગાયોનું મહત્ત્વ છે તે પણ આપણને સમજાવશે। તેથી મિત્રો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોવાનું ન ભૂલતા મિત્રો અને શેર કરવાનું ન ભૂલતો મિત્રો। તેથી મિત્રો શેર કરશો તો મિત્રો જે કોઈ પણ પાસે વિડીયો જાય છે તો મિત્રો તેને દાન કરવું હોય તો મિત્રો તમારા થકી દાન થાય તેથી મિત્રો શેર કરવાનું ન ભૂલતા। જય માં ખોડિયાર, જય ભૂતડા દાદા મિત્રો। और यहाँ करीब 20 साल से गौ सेवा मंदिर में सेवा पूजा तथा अतिथि गण सबके सेवा मेरा आश्रम द्वारा थई रहा से विशेषकर मरा रुझान गौ माता के सेवा में से चूंकि ये हमारी ऋषि परंपराएं से गौ सेवा और अतिथि सेवा इसके बावजूद आश्रम में बहुत तरह के सेवा प्रवृत्ति कबूतरा के चरण है कुतरा के सेवा वगैरह गौ सेवा इसमें से प्रमुखता है। और ये गौशाला नहीं ये पंजरापुल से पंजरापुल एटले लंगड़ी लूली बेसहारा जिसका कोई आश्रय नहीं वही कोई आवक नहीं ये भगवान भरोसे गौ सेवा थई रहा है आश्रम से न खेती बाड़ी से न कोई जमीन से ये जो है कुछ सेवकों की सेवा प्रवृत्ति सहकार से ये आश्रम चले से बीजू गौ सेवा इतले गौ सेवा इतले सहकार बिना ये जो सेवा भी अधूरा से गाय माता आज के युग में गाय माता के कोई समझता न थी बहुत तरह के परेशानी थाए से परंतु ईश्वर भरोसे ये काम चले से। हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो में गया था तो वहाँ प्रश्न करता प्रश्न लोग किया कि भारतवर्ष एटले शू से
तो बड़ा सरस रीति से विवेकानंद जवाब दिया कि भाई भारत वर्ष जो हमारा है ऐसा संसार में कोई देश न थी जैसा भारत वर्ष है। लोग पूछे किम भारत वर्ष से, कहा जिस भारत वर्ष में गाय के दूध घी और माखन खाने से गीता का निर्माण हुआ, जिस खेत में गाय के गोबर डालने से जानकी माता की उत्पत्ति हुआ और जिस गाय के दूध में खीर बनाकर दशरथ राजा के रानियों के वितरण किया गया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म हुआ, ऐसा कोई देश हो तो तू सब बताओ भारत। यानी गाय के प्रभाव के प्रताप से ही कृष्ण की उत्पत्ति, जानकी माता की उत्पत्ति, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति, और उसी देश में गाय के दुर्दशा, गाय की स्थिति, गाय की जो हालत है, इस सबसे परिचित हम लोग हैं। आज के परिवर्ष में गौ सेवा बहुत जरूरी से, क्योंकि गौ सेवा बिना कोई मानव सुखी थी सकता नहीं, न खुशी कोई सुख सक खुश सुख सक आनंद थी सके। ये सरकार हम गौ माता के सेवा में लगे हैं, इसलिए सभी भारतवासियों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग तन मन धन से जहाँ भी हो गौ माता के सेवा में लगे, ताकि देश खुशहारी बने, हम खुशी बने, समाज खुशी रह सके। तो गौ सेवा ये जो है हम लोग का परम कर्तव्य से गौ सेवा करना, गौ सुखी था है तो समाज सुखी था है, मनुष्य सुखी था है और समृद्ध भारत बन सके। गाय माता के दूध, दही, घी, गौ मूत्र, गोबर सबके सब उपयोगी। आज सब साइंटिफिक भाव से, वैज्ञानिक दृष्टि से गौ से कैंसर, गौमूत्र से कैंसर मिटाया जा रहा है, गाय के गोबर से नाना प्रकार के जो है बीमारी दूर किया जा सके, कब से बीमारी दूर किया, और ऐसा जो है आयुर्वेदिक दवा कुत्ते में भी हम लोग एलोपैथिक यूज करते हैं जो समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मित्रों जो कोई मित्रों ने आया हो तो मित्रों नागल पर 3 किलोमीटर थाय से मित्रों ने आ बोटाद जिल्ला में आवेलू से मित्रों जे पुतला दादा नु मंदिर छे। मित्रों आया गायों मित्रों 500-700 गायों से मित्रों जे आपने बापू साथे बात करी थी तेमा बापूए आपने कीधु तू 600 गायों से
તો મિત્રો વિડીયો ગમો હોય તો વિડીયોને શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા મિત્રો, તેથી અવનવા વિડીયો તમને જોવા મળે અને મિત્રો અવનવા મંદિરોના પણ દર્શન થાય તેમને ઇતિહાસ પણ જાણવા મળે, તેથી મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. મિત્રો જેમ બને એમ વિડીયોને શેર કરજો, તેથી મિત્રો અહીંયા ગાયોને ઘાસચારો મળી જાય મિત્રો, તેથી કોઈ પણ મિત્રો દાન કરે તો મિત્રો અહીંયા ગાયોને ઘાસચારો સુધી મળી જાય, તેથી મિત્રો શેર કરવાનું ન ભૂલતા મિત્રો. જય ભૂતરા દાદા. વિડીયો ગમો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા મિત્રો, તેથી અવનવા મંદિરોમાં તમને વિડીયો તેમજ તે મિત્રો તેનો ઇતિહાસ છે તે તમને આ ચેનલમાં જોવા મળે છે, તેથી મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.